SEO कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा जरूरी इस टाइम पर पाकिस्तान के लिए। तो इसी टाइम पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बड़े वाजे तौर पर कह दिए कि हम 15 अक्टूबर एन उस दिन जिस दिन दर्जनों डिग्नेटरीज पाकिस्तान में मौजूद होंगे इस्लामाबाद में डी चौक पर जो एहतजाज की कॉल दे दी गई। अब मसला ये है कि ये जो कोशिशें की जा रही हैं पीटीआई की तरफ से ये रेत की दीवार साबित होंगी या फिर सिरसा पिलाई दीवार बन जाएंगी, क्योंकि टाइमलाइन कोई तय नहीं हो पा रही अभी तक। इरफान सिद्दीकी साहब के मुताबिक भी एक और बड़ी खबर आपको बताई देते हैं, और खबर ये है कि अफगानिस्तान ने एससीओ में शिरकत नहीं करनी। अफगानिस्तान ने कहा है नो, अफगानिस्तान एससीओ में नहीं जा रहा। इंडिया जा रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, फिक्र तो सबको इसकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक तरफ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मंसूबे हैं और दूसरी तरफ जत्थे मुल्क पर चढ़ाई कर रहे हैं। पेट्रोल बम और गालम गलो जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। पाकिस्तान से ये खबर आई है कि बलूचिस्तान में अटैक हुआ है जिसमें 20 के राउंड अबाउट माइनर्स की जाने गई है। क्या अगर ऐसा सिक्योरिटी का इशू रहा तो एससीओ की मीटिंग कैंसिल भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इंडिया ये कहे कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है, इस वजह से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का विजिट नहीं करेंगे एससीओ के लिए। मैंने खुल के बात करनी चाहिए ना, अफगानिस्तान और भारत ये दो मुल्क हैं जो इस वक्त पाकिस्तान दुश्मनी में कुछ भी करने और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये चीजें भी हम देखते हैं, उधर नरेंद्र मोदी है और जनाब दंदना रहे हैं इंडिया वहाँ पे दुनिया में मुआहदे पे मुआहदे किए जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एपिगन। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एससीओ मीटिंग को लेकर के काफी गहमागहमी है, लेकिन इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर अभी एक महासंग्राम सा मचा हुआ है जिससे पाकिस्तानी घबराए हुए हैं कि यह मीटिंग होगी भी कि नहीं होगी, और होगी भी जो एससीओ मेंबर के देश हैं इसमें आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली बल्कि सिक्योरिटी वाइज भी काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी ने ऐलान कर दिया कि जिस दिन एससीओ की मीटिंग होगी जब पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर के लीडर्स मौजूद रहेंगे तो उसी समय पाकिस्तान की पीटीआई इस्लामाबाद पर धावा बोलेगी। तो वहीं पर दूसरी तरफ जिस तरह से एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे इससे पहले हो पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धमाके कर दो चीनियों को मार देना हो, या फिर अभी जो बलूचिस्तान के अंदर एक और बड़ी घटना हुई है जिसमें पाकिस्तान के 20 लोगों को मार दिया गया है, जिसके कारण सिक्योरिटी वाइज भी पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब है, जिसके चलते पाकिस्तानी मीडिया घबरा रही है कि यह एससीओ मीटिंग जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत समय बाद एक इम्पोर्टेंट ओकेजन है उसमें कहीं रंग में भंग ना हो जाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। दमादम मस्त कलंदर एक बार फिर होने लगा है, खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि जिस डेट को ऐसी होनी है उसी वक्त पीटीआई ने एक बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है, तो धरना फिर होने लगा है। एससीओ होने वाली है और पाकिस्तान में एक बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि एससीओ के लीडर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे, और उसी के साथ उसी रोड पर डी चौक पर कहा गया है कि प्रोटेस्ट होगा और उन सब लीडर्स को ये दिखाया जाएगा कि ये देखें ये हो रहा है, ऐलान कर दिया गया है। मैं देख रही थी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि चीनियों पर हमला करने वाले और इस्लामाबाद में धरने का ऐलान करने वाले में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। ये एक शंघाई तावन तंजीम इजलास कोई आम इजलास नहीं है, दुनिया भर से डेलीगेशंस आ रहे हैं। अब इसको आप कैसे रोकेंगे, एससीओ होगी या नहीं होगी, एससीओ होगी तो किस तरीके से होगी, एससीओ भी हो रही होगी और साथ में ये जंगो जदल भी हो रही होगी, ये यलगार भी हो रही होगी। एक और बड़ी खबर आपको बताई देते हैं, और खबर यह है कि अफगानिस्तान ने एससीओ में शिरकत नहीं करनी। अफगानिस्तान ने कहा है नो, अफगानिस्तान एससीओ में नहीं जा रहा। इंडिया जा रहा है, डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, फिक्र तो सबको इसकी है। बात यह है कि अफगानिस्तान क्यों नहीं जा रहा, तो इसकी कुछ डिटेल सामने आई। अफगानिस्तान ने खुद मना किया आने से, ना किया कि नहीं हमने नहीं आना, ना ही कर दिए, या फिर पाकिस्तान ने उसको अफगानिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया। तो इसके सामने मेरे सामने कुछ डिटेल्स आ रही हैं, जियो में मौजूद है। अफगानिस्तान शंघाई तावन तंजीम इजलास में शामिल नहीं होगा, इसकी जो रीजंस हैं वो सामने आ गई हैं, एजाज सैयद इसके अंदर लिख रहे हैं। डिप्लोमेटिक सोर्सेज का ये कहना है कि अफगानिस्तान को एससीओ इजलास में इनवाइट ही नहीं किया गया, दावत ही नहीं दी गई पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को। असल में अफगानिस्तान एससीओ का ऑब्जर्वर स्टेट है, क्योंकि दो ऑब्जर्वर कंट्रीज अफगानिस्तान और मंगोलिया हैं।
और SEO के सरबराहान इजलास में डायलॉग पार्टनर्स को भी मदु नहीं किया गया, डायलॉग पार्टनर्स को भी नहीं बुलाया गया, वो कह रहे हैं, और SEO सेक्रेटेरिएट ने सिर्फ ऑब्जर्वर मेंबर मंगोलिया को मदु किया। भाई ये क्या बात हो गई, ये तो इसका मतलब है आप, ये कॉन्फ्लिक्ट है इसमें लिखा मैं आपको बता रही हूँ, तो फिर अफगानिस्तान को ऑब्जर्वर है तो क्यों नहीं बुलाया फिर, तो ये कोई, ये क्या बात हुई, मंगोलिया को बुला लिया तो ये क्या है, इसका मतलब है कि आपने उनको नहीं बुलाया या अफगानिस्तान को बुलाया था और वो आ नहीं रहे, ये गलत बात है। पहले ही हालात बड़े ख़राब है, आपने अगर एक ऐसे कंट्री को नहीं बुलाया जिस, जो आप कह रहे हैं डिसफंक्शनल है, वहाँ पर दहशतगर्दी है, वहाँ से दहशतगर्द पाकिस्तान दाखिल होकर कर सकते हैं, तो आपको नहीं पता कि SEO को भी वो डिसफंक्शनल कर सकते हैं। सोच समझ, यानी कोई बंदा थोड़ी अकल से भी काम ले लेता है, डिप्लोमेटिकली चलना चाहिए ना, डिप्लोमेटिक सोर्सेज कह रहे हैं, तो आपको डिप्लोमेसी नहीं आती, वो तो अंदर ही इतना कुछ हो रहा है, बाहर वालों को तो ज़रूरत ही नहीं। भाई मैं आपको एक वाक्या बता रही हूँ, एक तरफ SEO होने जा रही है और उससे पहले एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है बलूचिस्तान में, और हुआ ये है कि दुकी में दहशतगर्दी में 20 मजदूरों को जाकर दहशतगर्दों ने मार दिया है, KPK से पश्तून कोल माइनर्स कहे जा रहे हैं। तो कभी वहाँ पर पंजाबियों पर हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान में, पंजाबी मजदूरों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, और कभी जो है वो पश्तूनों पर हमले हो रहे हैं। तो लेकिन उसको किसने मार दिया, दहशतगर्दों ने मार दिया बलूचिस्तान के अंदर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर क्यों लोगों को मारा जा रहा है, बलूचिस्तान के अंदर इसलिए लोगों को मारा जा रहा है कि उनको इस चीज का बड़े अच्छे से पता है कि भैया पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करोगे तो पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन नहीं आएगा। अभी सऊदीज पाकिस्तान में बैठे हैं, कह रहे हैं $2.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, नाली तो सभी बंदे फड़काते हैं। शिगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप आने वाली है, पाकिस्तान के अंदर तैयारियां हो रही हैं, उन्हें क्या 20 बंदे मार दिए, वेखी जाएगी फिर जो होएगा। एक तो पाकिस्तान को फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स का सामना है, दूसरा एथनिक मिलिटेंट्स का सामना है। जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं लार्जली दे आर ऑपरेटिंग इन बलूचिस्तान एज वेल, बट लार्जली इनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान से लिंक है पख्तूनख्वा है वहां से है। तो हमें तो फंस गया, हम तो ये दहशतगर्दी हमारी तो जड़ों में बैठ गई भैया, इसने पकड़ के हमारी स्टेट को इतना कमजोर किया है, इतना कमजोर किया है कि अब यहाँ पे हर जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो जिसका दिल करता है दुबई में पाकिस्तानी किसी को देते हैं 10 लाख रुपए, वो इधर 3 बंदे मार देते हैं। ये चीजें भी हम देखते हैं, उधर नरेंद्र मोदी है और जनाब दंदना रहे हैं इंडिया, वहां पे दुनिया में मुआहदे पे मुआहदे किए जा रहे हैं, वो कहाँ बैठे हुए हैं लॉस के अंदर, कभी वो यूरोपियन यूनियन से डायलॉग कर रहे हैं, ठीक है वो जी फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस EU इनवाय अब आएगा इंडिया में स्पेशली, ठीक है जी, जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक इंडिया की जी इंपॉर्टेंस बड़ी बढ़ गई है। अब हमारी इंपॉर्टेंस कैसे बने, रोज 25 बंदे जी तो तुझे मजदूर मार देंगे, जब रोज 20-25 बंदे पाकिस्तान में कारोबारी से रिलेटेड लोग मारेंगे।